गाइस इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शोमी के मी सी सी नाइन प्रो के बारे में। तो गाइस ये जो स्मार्टफोन होगा वो चाइना में 5 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस पहले लीक्स आ रहे थे कि ये जो स्मार्टफोन होगा वो ग्लोबली मी ए 3 प्रो के नाम से लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलेगा। बट मैं आपको बता दें कि ये जो स्मार्टफोन होगा वो ग्लोबली मी नोट 10 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो शोमी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है मी नोट 10 इज कमिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट 108 मेगापिक्सल पेंटा कैमरा। पेंटा कैमरा का मतलब है कि आपको पीछे वाली साइड 5 कैमरास देखने के लिए मिलेंगे और सामने वाली साइड आपको एक सेल्फी कैमरा होगा, और कुल मिलाकर आपको 6 कैमरास देखने के लिए मिलेंगे इस स्मार्टफोन में। और इसकी जो कैमरा क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइस ये जो स्मार्टफोन होगा वो इंडिया में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसका जो नाम होगा वो मी नोट 10 ही होगा, और इंडिया में भी आपको मी नोट 10 के साथ ही देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरी तरह से लीक होकर आ गई है, इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर ले इसके डिस्प्ले के साइज के बारे में। तो शोमी का जो मी सी सी नाइन प्रो है उसमें आपको 6.47 इंचेस की फुल एच डी प्लस वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको जो पैनल देखने के लिए मिलेगा वो एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा। रही बात इसके प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर मिलेगा, जिसमें आपको जो जीपीयू मिलेगा वो अर्डिनो का 618 देखने के लिए मिलेगा। बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरियंट की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 3 रैम एंड स्टोरेज वेरियंट देखने के लिए मिलेंगे, एक 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज वेरियंट देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको जो स्टोरेज टाइप मिलेगी वो UFS 2.1 स्टोरेज मिलेगी, LPDDR4X रैम भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगी सभी वेरिएंट में। उसके बाद इस स्मार्टफोन में आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, नैनो प्लस नैनो सिम आप यूज कर सकोगे, और इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो एंड्रॉइड पाई पर आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, जिसमें आपको इनकी MIUI 11 देखने के लिए मिलेगी आउट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद बात करें इसके कैमरास की, तो स्मार्टफोन में आपको 5 कैमरास देखने के लिए मिलेंगे पीछे वाली साइड, जिसमें आपको मेन कैमरा सेंसर होगा वो 108 मेगापिक्सल का मिलेगा, जिसमें आपको सैमसंग का HMX सेंसर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको जो अपर्चर साइज मिलेगा वो f1.69 का मिलेगा। इसके साथ ही आपको LED फ्लैश भी मिलेगी, और एक आपको कैमरा सेंसर मिलेगा टेलीफोटो लेंस के लिए, एक मिलेगा 5x ऑप्टिकल जूम के लिए, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, और TOF सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपके जो फोटोज क्वालिटी होगी और आपको 3D ऑब्जेक्ट्स पर जो इमेजेस क्लिक करोगे वो भी आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी इस स्मार्टफोन में। तो इस ओवरऑल जो कैमरास आपको देखने के लिए मिलेंगे इस स्मार्टफोन में वो काफी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, बट ये अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको कितने मेगापिक्सल के कैमरास देखने के लिए मिलेंगे, बट आपको जो सेंसर मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आपको 5 कैमरास देखने के लिए मिलेंगे पीछे वाली साइड। और बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो अपर्चर साइज f2.0 पर बेस्ड होगा। और इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको जो फिंगरप्रिंट की स्पीड होगी वो भी काफी फास्ट होगी। बात करें इसके वेट की, तो यहाँ पर आपको जिसका वेट मिलेगा वो 208 ग्राम का इसका वेट मिलेगा। इसके कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो इस स्मार्टफोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट मिलेगा, GPS का सपोर्ट मिलेगा, USB टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा, और NFC का सपोर्ट भी मिलेगा। जो स्मार्टफोन में आपको बैटरी मिलेगी वो काफी बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी, आपको 5170mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, और जो आपको चार्जर मिलेगा वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन होगा वो चाइना में तो लॉन्च किया जाएगा मी सी सी नाइन प्रो के साथ, और इंडिया में आपको ये मी नोट 10 के साथ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये ग्लोबली स्मार्टफोन जो लॉन्च किया जाएगा वो मी नोट 10 के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस आपको सामने वाली साइड भी काफी अच्छी लुक देखने के लिए मिलती है, बेजल्स भी काफी कम देखने के लिए मिलते हैं, पीछे वाली साइड 5 कैमरास देखने के लिए मिलते हैं, तो ओवरऑल जो स्मार्टफोन लुकिंग वाइज देखने के लिए मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। उसके बाद हम बात करें इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट की, तो स्मार्टफोन की जो प्राइस स्टार्ट होगी वो मेरे ख्याल से 20,000 से ऊपर स्टार्ट हो सकती है, जिसमें आपको बेस वेरिएंट मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है, और इसके जो कैमरास है वो भी काफी अच्छे होंगे, तो स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो मेरे ख्याल से 20,000 से ऊपर ही जाएगी। तो गाइस देखते हैं कि शोमी कितनी प्राइस रखता है इस स्मार्टफोन की। तो गाइस उसके बाद हम बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो मैंने बताया कि 5 नवंबर को ये चाइना में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ये आपको ग्लोबली भी देखने के लिए जल्दी मिलेगा, क्योंकि ग्लोबली भी इन्होंने टीज करना स्टार्ट कर दिया है मी नोट 10 के साथ ये ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस जो ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा वो नवंबर के एंड में देखने के लिए मिल जाएगा, और दिसंबर में भी आपको ये इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नवंबर के मंथ में ही इंडिया में देखने के लिए मिल जाए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ लगे बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। थैंक यू।